हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं पुणे के सबसे लग्जरियस और फेमस होटल रिट्स कार्ल्टन में डिनर करने। तो ये जो होटल है वो लोकेटेड है यरवडा नियर एयरपोर्ट रोड। तो अब हम इंटर कर गए हैं रिट्स कार्ल्टन के एंट्री गेट पे और अब यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। यहाँ का आउटसाइड एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है। तो आप देख सकते हैं हम इंटर कर गए हैं होटल के अंदर और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और जो इसका डेकोरेशन था ना वो वाओ था रियली। हमारा यहाँ पे जो बुकिंग था वो हमने ऑनलाइन किया था और वो डिनर था और वो अनलिमिटेड था बुफे। और ये आपको दो लोगों का पड़ेगा अंडर 5000। एक्चुअली ये 5-स्टार होटल है और यहाँ आप स्टे भी कर सकते हो। और हमने जिस रेस्टोरेंट में बुकिंग की थी उसका नाम था 3 किचन्स। ये यहाँ का लॉबी एरिया और ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ का जो रेस्टोरेंट एरिया था वो काफ़ी स्पेशियस था और यहाँ पे आपको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी। और यहाँ पे 3 टाइप्स के ये फूड्स अवेलेबल थे, इंडियन, एशियन और वेस्टर्न। तो अब हम इंटर कर गए हैं रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पे ना हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे, जैसे कि किसी में चाइनीज़ था, किसी में इंडियन था, किसी में वेस्टर्न था। और यहाँ पे जो लाइव काउंटर्स होते हैं लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, वो आपको लाइव काउंटर्स में अवेलेबल थे। और डिज़र्ट का भी एक अलग ही सेक्शन था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ के जो स्टाफ थे वो काफ़ी हम्बल और पोलाइट थे। तो मैं आपको अपनी वीडियो में हर डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अब देखिए मैं फर्स्ट सेक्शन में आ गई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वैरायटीज़ है फूड्स की। सेक्शन में आप देख सकते हैं कि सैलड्स और फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं और काफ़ी वैरायटीज़ है यहाँ पर। और अगर आप हेल्दी फूड्स खाना चाहते हैं तो वो उसमें भी आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। डिनर की शुरुआत जो है ना वो फ्रूट से की। मैं आपको वन बाय वन दिखाते जाऊंगी कि यहाँ पे कितने तरह के फ्रूट्स अवेलेबल थे। तो आप देख सकते हैं कि मेन कोर्स में भी कितनी ज़्यादा वैरायटीज है, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। फूड क्वालिटी था ना वो काफ़ी टेस्टी था और काफ़ी अच्छा था। मुझे तो यहाँ पे सब कुछ पसंद आया लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट लगा मुझे वो था मोमोज। और ये था मटन मोमोज और वो काफ़ी यम्मी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज के चाट्स अवेलेबल थे, दही बड़ा अवेलेबल था। तो यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल था।
ये है यहाँ का चाइनीज सेक्शन, यहाँ पे सब कुछ चाइनीज अवेलेबल था। यहाँ पे थाई नूडल्स, मोमोज एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। ये है यहाँ का स्वीट सेक्शन और यहाँ पे आपको हर तरह के स्वीट्स अवेलेबल थे, और केक्स, डोनट्स, काजू कतली, हर तरह के स्वीट्स जिसका मुझे नाम तक नहीं पता है, वो हर तरह के आपको यहाँ पे स्वीट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि ना हर सेक्शन पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया था कि आप जिस सेक्शन पे भी जाएं वहाँ पर आप बैठ कर इंजॉय कर सकें अपने मील्स को। यहाँ का जो डेकोरेशन था ना वो रियली हार्ट विनिंग डेकोरेशन था, मुझे तो काफ़ी पसंद आया रियली। हम आ गए हैं डिफरेंट सेक्शन में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्रेड्स में भी कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, और यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा वगैरह भी अवेलेबल। यहाँ पे आपको फूड और डेजर्ट्स का इतना ज़्यादा ऑप्शंस मिलेगा ना कि आप टेस्ट करते करते ही टायर्ड हो जाओगे। आई मीन आप थोड़ा थोड़ा ही खाकर आपको लगेगा या आई एम फुल। तो ये है यहाँ का लॉबी एरिया, और यहाँ से आप अगर स्टे किए रूम में तो यहाँ पे लिफ्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी अवेलेबल थे, और यहाँ का लॉबी एरिया भी काफ़ी बिग था। देख सकते हैं ये होटल काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे जो प्राइवेट इवेंट्स वगैरह होते हैं ना वो भी यहाँ पे किया जाता है।
ये होटल इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना कि आपको लगेगा कि बस आप यहाँ के इंटीरियर और डिज़ाइंस वगैरह को बस देखते ही रह जाओ। और यहाँ पे म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट्स किया गया था। यहाँ पे जो भैया थे ना, वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। म्यूज़िक सुन के काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था और मैंने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर। यहाँ की लॉबी एरिया से आप पूल भी देख सकते हैं। मैं आपको बाद में डिटेल से इसको दिखाने वाली हूँ आगे।
मैं आ गई हूँ डिफरेंट सेक्शन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कुछ ग्रिल्स अवेलेबल था, यहाँ पे सब कुछ ग्रिल मिल रहा था। क्योंकि मैं गई थी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं वहाँ के स्टाफ ने मेरे लिए ये लेटर दिया था और ये केक को अरेंज किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं आ गई हूँ यहाँ के पूल एरिया में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फायर को कितने अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है और सीटिंग अरेंजमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल्ली इसको डेकोरेट किया गया है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ के वॉशरूम एरिया में और आप देख सकते हैं कि यहाँ का वॉशरूम एरिया भी कितना ब्यूटीफुल है और कितना क्लीन है, तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये होटल काफ़ी बड़ा था और इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल था, बट मैंने अपनी वीडियो में हर एक पार्ट को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।